सुबेरा उसी समय जिंदगी में आता है जब जीसस आता है। व्यवस्था का बंधन यीशु ने खोल दिया। तूने सिर्फ और सिर्फ यीशु पर भरोसा किया है। परमेश्वर की आत्मा सामर्थ्य तुझ पर आ रही है। पिछले कार्यक्रम में मैंने आपसे चंगाई के विषय पर बातचीत की, एक छोटा परिचय दिया और बताया कि यीशु ने 2000 साल पहले ही आपके लिए अपना लहू बहा दिया। बहुत से लोग पूछते हैं कि यीशु का लहू तो 2000 साल पहले बहाया गया, तो आज 2000 साल के बाद ये लहू मेरे जीवन में कैसे काम कर सकता है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु का लहू आज इसलिए काम करता है क्योंकि यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो परमेश्वर है और पुनरुत्थान की सामर्थ और लहू की सामर्थ और वचन की सामर्थ आज इसीलिए काम करती है क्योंकि यीशु जीवित है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि 2000 साल पहले ये घटना हुई, आज हम इससे कैसे जुड़ सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि यीशु का लहू ताजा लहू है क्योंकि यीशु जीवित है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो आज आपको मिलती है वो इसीलिए मिलती है क्योंकि यीशु जीवित है। हाँ, ये बात ठीक है कि यीशु आज उस तरीके से नहीं आता है जैसे गलील, कफरनहूम, बैतसैदा, बैतनिया में जाता था, लेकिन अपनी मृत्यु के बाद यीशु ने अपने सहायक को भेजा और आज पवित्र आत्मा और यीशु का लहू दोनों एक साथ मिलकर के काम करते हैं, इसलिए ये फ्रेश ब्लड है और ये ताजा लहू आपको चंगाई देता है। मैं आपको आज निर्गमन के 15 अध्याय में ले जाना चाहता हूं और वहां से कुछ ऐसे सच्चाइयों को बताऊंगा जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। यहां पे लिखा हुआ है कि मूसा जो है वो इस्राएली लोगों को लेकर लाल समुद्र के पार गया और 15 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, वे उसे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसराइली प्यासे थे, पानी की खोज में थे, लेकिन जहां उनको पानी मिला वो पानी पीने के लायक नहीं था, खारा पानी था। दर्शकों, आपको एक ऐसे जल की जरूरत है जो आपको जीवन दे। मैं बार बार अपने संदेशों में ये बार बार दोहरा रहा हूं कि जीसस इज लाइफ। सामरी स्त्री से यीशु ने कहा कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, जीवन जल की नदियां तेरे अंदर से बहेंगी। जब लहू की नदियां बही यीशु के अंदर से तो वो जीवन की नदियां बह करके यीशु नासरी के नाम में आप तक पहुंच गई। और इस समय ये मत सोचिए कल आश्चर्यकर्म होगा, आज होगा, अभी होगा। यदि आप यीशु का नाम लेंगे, यीशु को पुकारेंगे तो ये अभी इसी वक्त हो जाएगा। तो उनको पानी नहीं मिला, यहां लिखा हुआ है, और वे मूसा के विरुद्ध बात करने लगे। पानी खारा मिला, पी नहीं सके। पहले तो पानी नहीं मिला, फिर खारा पानी मिला। और तब 25 पद में हम पढ़ते हैं, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तो वो पानी मीठा हो गया। ताली बजाए परमेश्वर को धन्यवाद करें कि पानी मीठा हो गया।
जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शायद आप मारा में हैं, दुर्दशा में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, शायद किसी मृत्यु की बीमारी ने आपको घेर रखा है, शायद आप आंसुओं में हैं, शायद आप अकाल में हैं, अभाव में हैं, शायद आप ब्लड बैंक जा करके ब्लड ले रहे हैं, शायद अपने इलाज के लिए किसी से कर्ज मांग रहे हैं, शायद नशे की हालत में हस्बैंड ने पूरे घर को मारा बना दिया है, लेकिन आपको मारा में रहने की जरूरत नहीं। कम आउट, मारा से बाहर आइए और आपको मीठा जल मिलेगा। ये यीशु जिसने 2000 साल पहले काना नगर में पानी को दाखरस बनाया, वो आपको नया दाखरस देकर चंगा करना चाहता है। उत्साहित हो जाए, चीयर अप, विश्वास करें, जो आश्चर्यक्रम 2000 साल पहले होते थे आज भी वो आश्चर्यक्रम आपके लिए होते हैं। मैंने तो अपनी सभाओं में देखा है कैसे लोग छुटकारा और चंगाई को और पवित्र आत्मा के स्पर्श को पाते हैं। मेरे स्क्रीन पर भी इस समय आपको कुछ दिखाया जा रहा है। देखिए हाउ गॉड मूव्स इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। और यहां एक रहस्य है, 25 पद में लिखा हुआ है, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। पौधा, सुन रहे हैं आप, पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। अब इस पौधे के रहस्य को मैं खोलना चाहता हूं। ये पौधा क्या है? क्या पौधा डालने से कोई पानी मीठा हो जाता है? हाँ जी, ये क्रूस को दिखाता है, यीशु का क्रूस जिस पर यीशु ने अपने लहू को बहाया। हेलिना नाम की कैथलिक नन थी और उसने कॉन्स्टेंटाइन से कहा कि मैं उस क्रूस को ढूंढना चाहती हूं जिस पर यीशु ने अपनी जान दी। कॉन्स्टेंटाइन ने कहा, वे सम्राट थे रोमी साम्राज्य के, उन्होंने कहा ठीक है इसको खोजो। और जब खोज की गई तो खोजते खोजते इतिहास बताता है कि 3 क्रूस मिले। तो हेलिना ने कहा अब 3 क्रूस जो मिले हैं, जाहिर है 3 क्रूस मिलेंगे, क्योंकि 2 क्रूस पर डाकू चढ़ाए गए थे और 1 पर यीशु चढ़ाया गया था। हेलिना ने कहा हम तो असमंजस में हैं, कौन सा क्रूस यीशु का है, कौन सा डाकू वाला क्रूस है, कौन सा यीशु वाला क्रूस है। सोचते सोचते हेलिना ने कहा जिस क्रूस को टच करने से लोग चंगे हो जाए, बस समझ लेना वही क्रूस है। 1 से टच किया कोई चंगा नहीं हुआ, 2 से टच किया कोई चंगा नहीं हुआ, जब 3 से टच किया बहुत से बीमार चंगे होने लगे। यीशु का लहू उस क्रूस पर ताजा था। रिसर्च बताता है कि उस क्रूस के ऊपर खून के धब्बे थे। मेरे मित्रों, शिमोन कुरैनी जो यीशु की सहायता करने के लिए यरूशलेम गया था और जब थोड़ी देर के लिए उसने क्रूस को उठाया, आपको बताना चाहता हूं इतिहास की पुस्तकों से, उसका जीवन बदल गया, उसका परिवार बदल गया। मेरे मित्रों, यीशु के लहू में सामर्थ है, काठ में सामर्थ नहीं है, कील में सामर्थ नहीं है। यदि आपको वो 2000 साल पुराना यीशु का वो क्राउन ताज, कांटों का ताज मिल जाए तो भी आप उससे चंगे नहीं हो सकते, लेकिन यीशु के लहू से आज आप छुटकारा पा सकते हैं। कोई दुष्ट आत्मा को आपको सताने का कोई हक नहीं है। यीशु ने शैतान के पूरे साम्राज्य को कुचल दिया और इसीलिए यीशु ने डिक्लेरेशन किया, घोषणा की और क्या कहा,
पूरा हुआ, आपका इलाज पूरा हुआ, आपका उद्धार पूरा हुआ। अब आपको श्राप में जीने की जरूरत नहीं है, अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपको अपने गले लगाना चाहता है। एक कहानी बताऊंगा आपको, कहानी क्या सच्चाई बताऊंगा। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गजेंद्र। वे पहले मसीह में नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में वे मसीह में हैं। उनको ब्लड कैंसर की बीमारी हो गई थी। डॉक्टर गजेंद्र से मैं बहुत प्यार करता हूं। वे बनारस के रहने वाले हैं और मैं उनके घर गया था। जब मैं उनके लिए प्रार्थना करने लगा, उन्होंने मुझे बताया कि ब्रदर, जब आप प्रार्थना कर रहे थे, लग रहा था कुछ ऐंठ रहा है मेरे अंदर और वो बाहर आ रहा था। बाद में मेडिकल इंस्टीट्यूट ने, BHU ने सर्टिफाई किया कि वे ब्लड कैंसर से पूरी तरह छुटकारा पा चुके हैं। और तो और, एक अच्छी खबर आपको बताना चाहता हूँ, वही गजेंद्र डॉक्टर गजेंद्र बन गए। आज वो लोगों को दवाएं दे रहे हैं। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर है। मेरे मित्रों, आज यीशु वही कर सकता है जो वो 2000 साल पहले करता था। आप क्यों दुर्बलता में हैं? क्यों असहाय महसूस कर रहे हैं? क्यों निराश महसूस कर रहे हैं? ये यीशु का लहू आपको संपूर्ण छुटकारा देगा। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, ब्रदर क्या हम दवा खाना बंद कर दें? नहीं, आप दवा खाइए, मैं दवाओं के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप 2000 साल पहले ही चंगे हो चुके हैं। इसलिए मैंने पिछले एपिसोड में एक अनाउंसमेंट किया था और फिर कर रहा हूं कि ये चंगाई के वचन मेरे पास हैं, तेरा लहू की किताब मेरे पास है, श्राप से छुटकारा, ये तीनों एक पैकेट, पूरा हीलिंग पैकेट आपको मैं भेजना चाहता हूं। और आप इसे सिर्फ 200 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। आप मनी ऑर्डर के द्वारा हमारे अकाउंट नंबर में जैसे भी हो पैसा भेजकर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके द्वारा आप चंगाई के तमाम पहलुओं को जानेंगे। चंगाई आपके लिए है, चंगाई एक वरदान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंगाई वरदान है, यह मुफ्त में मिली हुई है। केवल आपको विश्वास करना है, विश्वास करना है। हालेलुया, विश्वास कर मेरी बहन, विश्वास कर मेरे भाई, विश्वास कर मेरे बुजुर्ग। बहुत से लोग सोचते हैं इस उम्र में आ गए हैं, इतना साल हो गया है, क्रॉनिक ब्लड प्रेशर है, क्रॉनिक बीमारी है, डॉक्टर ने कहा है ये गोली नहीं खाओगे तो मर जाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गोली खाना अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप हीलिंग पिल्स को खाएं। हेलो हेलो हेलो, मेरे दर्शक लोग ध्यान दें, हीलिंग पिल्स ये भी एक दवा है। जब चंगाई के वचन को आप बोलना शुरू करते हैं, प्रतिज्ञाओं को आप बोलना शुरू करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ आप पर आ जाती है। अब मैं आपको थोड़ा 39 कोड़ों के बारे में बताना चाहता हूं जो यीशु ने अपने ऊपर खाए। मैंने 13 लहू में इसका वर्णन किया है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि 39 कोड़े यीशु ने अपने पीठ पर खाए। यशाया कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आप भी बोलिए ना, बोलिए मेरे साथ, जब आप कार्यक्रम को देख रहे हैं बोलना शुरू कर दीजिए, बोलिए बोलिए बोलिए, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जिस आत्मा ने यीशु को जिलाया था वही आत्मा मुझे भी जिलाएगा। यीशु का लहू मेरे लिए है। मेरी बहन बोल, मेरे भाई बोल, मेरे नौजवान बोल, ऐ बीमार भाई जो तू बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जो दर्द में है, बोल बोल मेरे भाई, यीशु का लहू मेरे लिए है, यीशु का लहू मेरे लिए है। प्रभु की सामर्थ आप पर आ रही है। प्रियो,
यीशु मसीह आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आप उसको अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे तभी वो आपके साथ मुलाकात करेगा। आज कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, वो आपके सारे आंसुओं को, सारे दर्दों को मिटा देगा और आपको बिल्कुल नया जीवन देगा, नया जीवन देगा। मैंने देखा है बहुत से लोगों को कैसे यीशु उनको छूता है सभाओं में और उनको नया जीवन देता है। ये नया जीवन आपके लिए है। शैतान ने जो कुछ आपका चुरा लिया है वो इस 2017 में आपको मिलने जा रहा है। अब मैं आपको इसी 15 अध्याय में कुछ और तथ्यों को दिखाऊंगा। 25 पद में लिखा हुआ है, वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने इस्राएलियों पर भेजे हैं उनमें से कोई भी तुझ पर न भेजूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। आई एम द लॉर्ड हु हीलस थी। एक सच्चाई यहां आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग आज रो रहे हैं, कहां कहां जाते हैं प्रार्थना कराने के लिए, लेकिन आपको मालूम, रोना तो ठीक है, यहां वहां सभाओं में जाना भी ठीक है, फोन लगाना भी ठीक है, लेकिन यदि आप सब कुछ करें और प्रभु की आज्ञा ना माने तो सब व्यर्थ। आज बहुत से लोग चिल्लाना तो जानते हैं, बोलना तो जानते हैं, कॉल करना तो जानते हैं, लेकिन वे आज्ञा नहीं मानते। मैंने अपनी सेवकाई में देखा है, वे भाई बहन जो दशमांश नहीं देते, वे भाई बहन जो चर्च नहीं जाते, वे भाई बहन जो बाइबल नहीं पढ़ते, उनके जीवन में लंबी बीमारियों का साम्राज्य छाया हुआ है। एक घटना आपको बताऊंगा, पाकुड़ की, झारखंड की एक बहन थी, 30 साल उसने नौकरी की, 30 साल टीचर थी और वो लंगड़ा लंगड़ा करके चलती थी। सोचिए 30 साल वो लंगड़ा कर चली, और जब मेरी पाकुड़ में सभाएं हो रही थी, परमेश्वर की सामर्थ्य उस पर आई और उसने मेरे दशमांश के मैसेज को सुना, और जब उसने देना शुरू किया वो पूरी तरह चंगी हो गई, आज वो बिल्कुल अच्छी है। मेरे मित्रों, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और बोलना शुरू करें, यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, और मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि यीशु ने 2000 साल पहले अपनी जान मेरे लिए दी, कैंसर की गांठ निकल जा। मैं कहता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, निकल जा। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ लहू 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 यीशु का लहू। मेरे दर्शकों को छू ले यीशु नासरी, इसी समय छू ले यीशु नासरी। ओ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी दुष्ट आत्माओं को, सारे प्रभु जी व्याधाओं को, सारी प्रभु जी गड़बड़ी की आत्मा को, हर प्रकार की मृत्यु की बीमारी को, हर प्रकार के परमेश्वर टेंशन को, निराशा के आत्मा को आई रिब्यूक, और प्रभु तेरी स्वतंत्रता को, तूने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपना अभिषेक उंडेल दे प्रभु, ताजा अभिषेक उंडेल दे। हीलिंग अनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता हूं, क्योंकि तेरे वचन में मैंने पढ़ा, आई एम द लॉर्ड हु हीलद दी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मुझे पत्र जरूर लिखिएगा, और परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किए हैं आपके लिए उनको मेरे संग शेयर करिएगा। बाय द वे, यदि मेरा मोबाइल कभी स्विच ऑफ को मिले तो ये समझ जाइएगा, या तो मैं आराम कर रहा हूँ या फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन फ़ोन ज़रूर कीजिएगा।
मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपके दुख सुख में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। गॉड लव्स यू। शालोम। मेरा नाम शशिकांत सुवांशु कुजूर है। वर्तमान में मैं पुलिस निरीक्षक के पद पे झारखंड जगवार में पदस्थापित हूँ। मैंने 2007 में प्रभु यीशु को पाया ब्रदर रंजीत के द्वारा। उस समय से हमारी फर्स्ट मैं सस्पेंड था। ब्रदर द्वारा प्रार्थना की गई और मैं सस्पेंड से रिलीज हुआ और प्रभु में बना रहा। आगे ब्रदर हमारी अगुवाई करते रहे और प्रभु यीशु की सहायता से हम आगे बढ़ते रहे। 2009 में हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ब्रदर द्वारा प्रार्थना की गई और हमारी लोहरदगा से पोस्टिंग धनबाद में हुई और प्रभु हमें प्रतिष्ठित किए और थाना प्रभारी के पद पे जोगता में पदस्थापित मुझे किए। 2 वर्षों तक मैं थाना प्रभारी के पद में बना रहा प्रभु यीशु की सहायता और सामर्थ्य से। 2010 में थाना प्रभारी के दौरान एक किडनैपिंग हुई, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक द्वारा हमें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आप सस्पेंड हो जाएंगे अगर बच्चे रिकवरी नहीं होंगे तो। मैं काफ़ी परेशान हो गया। ब्रदर और स्वतंत्र ग्लोबल मिनिस्ट्री द्वारा लगातार, ये अप्रैल महीना की बात थी, कंटिन्यू प्रेयर होते रही। 15 दिन के प्रयास के बाद ब्रदर द्वारा हमें बताया गया कि आज मैं आपके कामों के लिए प्रभु यीशु से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करूंगा। और अद्भुत रीति से मैं उस दौरान गया में उस अफ्रीका की खोज में मैं था और अद्भुत तरीके से 15 दिन बाद वो अपने मामा के घर गया में हमें मिला। केवल मैं सिर्फ जाके लाया, वो अद्भुत आश्चर्यकर्म प्रभु के द्वारा हुई और मैं अपना जॉब सही सलामत करते रहा। इसी दौरान ब्रदर द्वारा प्रभु यीशु से प्रार्थना हमारे लिए किए और हमारी उन्नति हुई और हम प्रमोशन पाए इंस्पेक्टर के पद पे। इस तरह मैं बढ़ते हुए आगे बढ़ा और आज मैं बहुत खुशहाल हूँ, बहुत आनंदित हूँ प्रभु यीशु में। आज भी मैं इस मीटिंग में आधा घंटा पहले अद्भुत तरीके से बानो सिमडेगा जिला अंतर्गत बानो से आया हूँ, जो हमारी आने की कम संभावना थी। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु को मिले। थैंक यू। मैं आपको एक किताब अपनी भेजूंगा। इस किताब का नाम है चंगाई का रहस्य। ये किताब मैं मुफ्त आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप चंगाई की सच्चाइयों को अच्छी तरीके से जानें। मित्रों, चंगाई एक वरदान है और ये बिल्कुल फ्री है। ये किताब भी बिल्कुल फ्री है। आप लिखिएगा हमें। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। सुबेरा उसी समय जिंदगी में आता है जब जीसस आता है। व्यवस्था का बंधन यीशु ने खोल दिया। तूने सिर्फ और सिर्फ यीशु पर भरोसा किया है। परमेश्वर किया तो सामर्थ्य तुझ पर आ रही है। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है
कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। ओ मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी के वो प्यास बुझाता है, बिन रोटी के वो भूख मिटाता है। बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता, बिन पानी वो प्यास बुझाता, बिन रोटी वो भूख मिटाता। अरे वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रो, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा कमाल का, मेरा यीशु कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा